मौसम तो देखो, लेकिन सुबह सुबह बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। यूए वालों को तो बारिश बड़ी ना नसीबों से मिलती है, हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं बारिश को। अल्लाह का शुक्र है चलो बारिश हो रही है। नॉर्मली दूसरी कंट्रीज में तो लोग कहते हैं वो बारिश हो रही है। सारा दिन बारिश हो रही है, कल भी बारिश हो रही है, वेदर फॉरकास्ट में लेट्स सी अलग ही दिन होती है। ज़्यादा नहीं घुमाते, जब थोड़ा गाड़ी बाहर निकालते हैं फिर अपना एरिया देखते हैं, उसके हिसाब से फिर गाड़ी आपकी मिडल सीधी आनी चाहिए। वो आपको नहीं मानी उसकी परेशानी। ये बात मैं याद आ गई मुझे बहुत सारे कमेंट्स में ना लोग कहते हैं जी, एक भाई ने कहा कि यू शुड रिस्पेक्ट योर स्टूडेंट, एक भाई ने कहा कि आप प्रेशराइज मत करो स्टूडेंट को, इस तरह के कमेंट्स मुझे ना 2-3 मिले हैं वीडियोस में। तो मैं आपको कुछ बातें क्लियर करूं। देखें, हमने स्टूडेंट को वो सिचुएशन के हिसाब से सिखाना होता है कि एग्जामिनर के साथ जो सिचुएशन होती है, ठीक है, तो एग्जामिनर के साथ तो उसको प्रेशर में होगा ना फुल,
तो हमने उसको यही सिखाना होता है कि आपने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। दूसरी बात है, हम लोग बदतमीजी नहीं करते। इवन मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बदतमीजी नहीं करता किसी के साथ भी। तो अगर किसी को लगता है कि मैं बदतमीजी करता हूँ तो ये गलत बात है। मैं बदतमीजी हाँ, समटाइम थोड़ा ऊंची आवाज़ में बताना मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि स्टूडेंट को पता चले कि ये बात कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पोर्टेंस है इस बात में। अगर वो बात कुछ बातें जो है ना वो ज़्यादा क्या कहते हैं सख्ती से बतानी पड़ती है। राइट जो अगर नहीं बताएंगे, राइट भाई अगर नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा उसको कि यार ये बात बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि अगर हम उसको प्रेशराइज राइट जाओ प्रेशर को हैंडल करना या प्रेशर में गाड़ी चलाना नहीं सिखाएंगे, चलो जाओ, तो कल में वो ट्रैफिक जैम में क्या प्रेशराइज होगा, तो पैनिक कर जाएगा। तो हमने यही तो सिखाना होता है उसको कि भाई आपने पैनिक नहीं करना, कैसी भी सिचुएशन हो आपने पैनिक नहीं करना, आपने कंट्रोल रखना है और कूल रहना है। और दूसरी बात है, एग्जामिनर जिन लोगों को पता है एग्जामिनर के बिहेवियर का, तो ये नहीं कि वो बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी नहीं करते वो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा ना कड़क बताते हैं बंदे को, यानी लाइक गो बबा राइट गो लेफ्ट, यानी इस तरह बताते हैं। तो अगला बंदा ये ऐसा नहीं कि वो कहे थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में कहे बाबा गो राइट, तो वो उधर से जो है वो प्रेशराइज हो जाए और जो उसने राइट जाना वो भी गलती कर दे और पैनिक कर जाए। तो ये जो है ना ये कोई ऐसी बात नहीं है या ना ही कोई इतना बड़ा इशू है, लेकिन फिर भी चले मैं आपकी कमेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं फिर भी आइंदा इंशाल्लाह ख्याल रखूँगा इस चीज़ का अगर हो भी जाए तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आपने कमेंट्स किया, मैं भी आपकी बातों से ही लर्न करता हूँ। लेकिन आपने ये पॉइंट रेज किया ना, तो मैं भी आइंदा इस बात का ख्याल रखा करूँगा। सीधा जाओ, हाँ भाई आपको वो राइट कह रहा है, आप लेफ्ट जा रहे हो तो मुझे रहना, जैसे देखे आपके राइट साइड में अबू धाबी है, लेफ्ट साइड में रसल खैमा है, सही है, तो आगे यानी फिर आपको जो अबू धाबी का जाना है तो आप रसल खैमा की तरफ जाओगे, आगे यू टर्न करके आपको आना पड़ेगा, आपको कितना लॉस होगा और कितना डिस्टेंस आपको ज़्यादा पड़ेगा, है ना। तो इसलिए लेफ्ट राइट का तो आप ख्याल रखो ना, राउंड अबाउट से राइट जाओ, हाँ ब्रेक करो, स्लो करो थोड़ा। आप पहले से कुछ भी लेफ्ट सॉरी राइट इशारा लगाओ, चलो जाओ, आप पहले से कुछ भी मत डिसाइड करो कि मैंने आगे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, वेट करो एग्जामिनर के डिसीजन का। ठीक है, जब वो डिसाइड करे मतलब आपको लाजिम वो टाइम देगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको टाइम नहीं देगा लेफ्ट या राइट जाने के लिए, आपको वो टाइम देगा प्रॉपर कि भाई राइट जाना है या लेफ्ट जाना है आपने। सो आपने जब उसकी बात सुनी है तो उसी वक्त जो है ना आपने मेंटली तौर पे उधर के लिए रेडी हो जाना है कि यार मैंने इधर जाना है, पहले से नहीं डिसाइड करना कि मेरा टीचर मुझे राइट लेके जाता था तो एग्जामिनर भी राइट ही लेके जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लेफ्ट में या सीधा में रास्ता है तो वो आपको ये कह सकता है कि लेफ्ट जाओ, ठीक है, सीधा के लिए तो आपको कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि आप ऑलरेडी सीधा जा रहे हो। ठीक है, सो पहले आपने माइंड नहीं बनाना कि मैंने किधर जाना है। ठीक है, जाओ यू टर्न करो, शाबाश, लेन चेंज करो, शोल्डर चेक करो, सेंटर मिरर भी, वेरी गुड, ठीक है, अब आपकी लाइन चेंज सही है थोड़ी, वो पहले जो आप क्रॉस जाते थे ना, हाँ वो बहुत गलत था, वो एक्सीडेंट होता है उससे। रेनिंग में आपने क्या करना है, दूर से थोड़ी ब्रेक लगानी, क्योंकि रोड पे पानी है ना, स्लिपरी रोड है, और ब्रेक भी उसी तरह काम नहीं करती जैसे ड्राई रोड पे करती है। सो इसलिए इसी में जाओ, नीचे पानी है उधर ज़्यादा, और नीचे वैसे भी वाइट लाइन है, ये इधर यही बनेगा, शाबाश, राइट लेन में आओ, पानी नहीं है तो थोड़ी तेज करो, 60 का रोड है, बहुत
तेज कर लोगे मेरे को तो चलो आप सही है ना तो यार बारिश ना के बंदे अच्छा एक और बात भी देखिए जी याद आ गई मुझे बात राउंड बर्स राइड जाना है वाइपर के ना ये देखे वाइपर के स्टेप्स होते हैं वाइपर चलाने का तरीका चले रेनिंग में बताते हैं ये वाइपर है इसका एक स्टेप है ठीक है उसके ये दो स्टेप है ये तीन स्टेप है राइड जाओ नॉर्मली हालात में जब आपको यानी राइड जाओ बारिश नहीं है तो शीशा साफ करना होता है ना ये देखें इसको ऐसे ऊपर करेंगे ना तो ये पानी मार के चार पांच बार खुद ही वाइपर लगेगा और खुद ही बंद हो जाएगा वो ये नॉर्मल कंडीशन में होता है सो बारिश में क्या होता है कि बारिश में इसका ये पहला स्टेप है ठीक है लेकिन हम देख रहे हैं देखें ये बहुत देर बाद चल रहा है पहला स्टेप ना ये देखें अभी चलेगा ना ठीक है तो इसमें अगर आपको इसको जल्दी करना है तो एक ये भी तरीका है देखें ये फर्स्ट स्टेप करके इसमें इधर ये बटन लगा हुआ घुमाने वाला इसको ये घुमा दें आपने जितना तेज करना है देखें ये पहले स्टेप में ही जो है ना ये तेज हो जाएगा देखें पहले स्टेप में रुकता था काफी देर रुकता था उतनी देर में आगे कुछ नजर नहीं आता था फिर ये चलता था अभी जब यहाँ से ये घुमा दिया आपने ये देखें ये लिखा हुआ भी है ठीक है ये स्पीड है इसकी तो आप इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं वो बारिश के हिसाब से कि आगे बारिश कितनी ज्यादा है किसी लाइन में जाओ और एक अगर ज्यादा तेज बारिश होती है तो वो एग्जामिनर ने डिसाइड करना होता है कि एग्जाम होना है कि नहीं होना ठीक है वो अगर डिसाइड करता है एग्जाम नहीं होगा आज तो जितने जो जिस दिन जितनों का एग्जाम होता है ना वो फिर वो रीशेड्यूल हो जाता है तो उसकी फीस कुछ भी नहीं है वो रीशेड्यूल कर देते हैं वो आपको यानी मैं इस इंस्टीट्यूट वाले जो है ना वो फिर आपको नई एग्ज़ाम की डेट बताएंगे कि आपकी नई डेट ये वाली है यानी आपका टीचर आपको बताएगा राउंड बोर्ड से राइट जाओ शाबाश लेट्स सी नहीं उस एरिया में ज़्यादा पानी नहीं होता क्योंकि उधर ड्रेन सिस्टम अच्छा है एग्जाम के एरिया में जाओ बस वो एक राउंड अबाउट है उसमें पानी ज़्यादा रहता है बाकी तो वो बस स्टेशन वाली साइड है सारी उधर एक वो जो राशिद स्कूल के जो लोकेशन है उसके सामने एक खड्डा है वहाँ पे पानी होगा और एक राउंड अबाउट है बस बाकी जगह में कहीं पे भी पानी नहीं खड़ा होता उस एरिया में ये दो ही जगह तो पुलिस वाला फिर क्या अवॉइड कर लेते हैं उस एरिया में देखिए जी सुबह के टाइम क्या हुआ है 7:34 ये टाइम में नॉर्मली जो है ना वो सूरज निकल आता है तो अभी तक अंधेरा ही है हमने लाइट्स ऑन की हुई है अभी तक स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन है ये मेरे ख्याल से स्ट्रीट लाइट सेंसर वाली है वो रोशनी होती है वो दिमाग हो जाती है सेंसर लगे हुए हैं